गाइस अभी मैं वर्धमान में ट्रेन में बैठ गई हूँ। सुमित गए थोड़ा सा नीचे, कुछ काम है वो करके आएंगे। और कितने बजे ट्रेन छोड़ेगा? 1:15 को तीन ट्रेन छोड़ेगा, तब तक क्या करेंगे बैठ के? तो इसलिए सोचा चलो ब्लॉग को शूट कर देती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं ट्रेन से स्टार्ट कर रही हूँ और वर्धमान से मैं कहाँ पर जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में। गाइस ये रहा वर्धमान स्टेशन का बाहर कुछ नज़ारा। अभी 1:15 को ट्रेन छोड़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको थोड़ा सा वर्धमान लोकल स्टेशन का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। मैं बैठी हूँ दुर्गापुर जाने के लिए, सडनली मुझे आना पड़ा, कुछ काम था, इसीलिए आगे आपको बताऊँगी किस काम के लिए मैं दुर्गापुर जा रही हूँ। और मैं थी ससुराल में, जैसे कि आपने आगे वाला कल वाला ब्लॉग देखा होगा, तो कुछ काम आ गया इसीलिए सडनली हम लोग को भाग भाग के दुर्गापुर जाना पड़ रहा है। तो देखिए हमारा ट्रेन छोड़ दिया है, 1:20 में ट्रेन छोड़ा है। अभी देखते कितना बजे तक ट्रेन में ट्रैवल करना होता है। सुमित ने बोला दुर्गापुर पहुँचते पहुँचते हम लोगों का 4 बज जाएगा, तो कितना घंटे से हम लोगों को बैठना पड़ेगा ट्रेन में। और ये वाले ट्रेन ना बहुत अच्छा लगता है बैठने के लिए, क्योंकि उतना लोकल ट्रेन की तरह भीड़ नहीं होता है ना, इसीलिए। तो ट्रेन में बैठे हुए बाहर का कुछ नज़ारा देख रही हूँ। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज राम का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। तो मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है गाइस, तो एडजस्ट कर लेना। और ट्रेन में बैठूँगी और कुछ खाऊँगी नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुमित ना बहुत फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, वो भी ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त। तो मेरी वजह से उसको उतना खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं कंट्रोल करके रखता हूँ। तो फिर भी उसका थोड़ा बहुत मैं सुन ही लेती हूँ। देखिए चना चाट खाने के बाद अभी हमने ले लिया है पापड़, ये टाइम पास के लिए, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी करना है हम लोगों को। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, पराठा और घुगनी खा के आ गए थे, दम आलू, और वो ही खाया था लास्ट। 2 बजने वाले हैं, अभी लंच कुछ किया नहीं, तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा लंच कर रही हूँ ऐसे ही बैठ के। और देखती हूँ अगर जल्दी पहुँच जाते तो कुछ लंच वगैरह कर लेंगे, भूख भी लगा है इसीलिए फाइनली मैंने पापड़ खा रही हूँ। वैसे मैं ट्रेन में उतना ट्रैवल करते टाइम ना कुछ खाना पीना पसंद नहीं करती हूँ इसीलिए। तो देखिए देखते देखते मैं दुर्गापुर स्टेशन आ ही गई हूँ, ट्रेन रुकने वाला है, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। और देखिए ये एक्सप्रेस ट्रेन कैसा होता है। गाइस दुर्गापुर स्टेशन आ गए हैं, ये ट्रेन से हम आए थे, देखो आ गए हैं। अभी लोकेशन ढूंढ रहे हैं सुमित, और फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में दुर्गापुर स्टेशन आई हूँ और दुर्गापुर जगह पर आई हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो कुछ इस तरह से हैं स्टेशन, देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरा क्लीन है, इतना गंदगी भी नहीं है, देख सकते हैं। उधर से भी स्टे केयर है, चलो वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छे तो चलो चलते हैं, स्टे केयर से चलेंगे। गाइस सुबह से निकली हूँ, लंच नहीं किया है, इतना जोर से भूख लगा है, इसीलिए मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ ताकि भूख ना लगे। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। मॉल पे आई शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए नहीं, मैं आई थी टॉयलेट यूज करने के लिए। आप सोचिए यार, ये दिख दिए अभी ब्लॉगिंग शूट करूंगी ना, तो मैं अपना एंजॉय ना
गाइस ये मॉल बहुत बड़ा है, यू कैन सी। भूख लगा है, कुछ खाना है। रुको पूछती हूँ गाइस, पहले खाली हो जाती है, उसके बाद शॉपिंग वगैरह होगा, खाना वाना होगा। सीधा जाके राइट। फाइनली अभी सुबह से ट्रेन में जितना कुछ खाया ना, अभी जाके मिल रहा है कॉफी। अभी कॉफी मिल रहा है। खाली होने के बाद इतना अच्छा स्मेल आ रहा था। फाइनली कैफेचिनो। आप क्या ले रहे हो? चलो कॉफी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। चेस को तो कैमरा हम नहीं जाए। जस्ट अगेन আমি তো এরম করে নেমে পড়ি যে আমি এরম করে না দেখি। চলো গাইস, মল সে অভি নিকল রহি হুম কুছ দের কে লিয়ে, ফির আউঙ্গি রিটার্ন। তো ইয়ে রাহা, ইসকা পিছে ওয়ালে হিসসে এক্সিট হ্যায়, ইয়ে দেখো মোটু সা। চলো, ये पीछे का हिस्सा है मॉल का, और अभी हम जा रहे हैं। है चलो कुछ फोटोज वगैरह खींच लेते हैं। गाइस ये रहा दुर्गापुर का मॉल। कॉफी जस्ट पिया, अभी आगे कुछ काम है, वो काम करके फिर मिलती हूँ आपसे आगे। गाइस मैं अभी थक गई हूँ, सुमित का एक फ्रेंड ने कॉल किया, सुमित गए फ्रेंड के साथ मिलने के लिए, और मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और शॉपिंग मॉल के बैक साइड पे आके थोड़ा सा बैठ गई हूँ। मैं थक गई हूँ इसीलिए, अंदर भी बैठने का जगह है लेकिन मैं अब बाहर आके कॉल कर रही थी घर में। और 2-3 मिनट के बाद मैं इधर से निकलूंगी, उसका फ्रेंड के साथ वो गया है बात करने के लिए, मुझे बुला रहा था लेकिन मैं गई नहीं। गाइस अभी हम खा रहे हैं चिकन मोमो, स्टीम चिकन मोमोस, ये 70 रुपीज का है। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप ये वाला ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा। वैसे दुर्गापुर में कुछ है नहीं, किस लिए लोग इतना आते हैं इधर पता नहीं। और दुर्गापुर से ज़्यादा मेरा श्रीरामपुर बहुत बेस्ट है, कोलकाता सबसे बेस्ट है मैं मानती हूँ। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। गाइस देखिए फॉग ही फॉग, अभी रात के कितना बज रहे हैं, रात के 6:30 बज रहे हैं, शाम के, सॉरी रात के नहीं, हाँ 6:30 बज रहे हैं। और ये देखिए मेल ट्रेन क्या माल ट्रेन क्या बोलते हैं, गुड्स कार, तो ट्रेन जा रहा है। अभी हम स्टेशन में हैं और कितना फॉग, धुआं धुआं सा। ये दुर्गापुर स्टेशन है। मैं और सुमित खड़े हैं इधर, और सुमित कोई जैकेट वगैरह लेके नहीं आए हैं, ये पहना है इसलिए। तो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। कितना बजे ट्रेन है? 6:20 को, 6:40 को, 6:20 को ट्रेन है एक्सप्रेस, तो वो
पकड़ के एकदम डायरेक्ट सौरभ में, कितना खुश हूँ, ट्रेन चेंज करना नहीं पड़ेगा। जैसे सुबह आई थी तो ट्रेन चेंज करना पड़ा था, तो अभी वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सौरभ। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, स्टेशन पहुंच गए हैं और 6:20 को आएंगे ट्रेन। पता नहीं कितना बजे छोड़ेगा, फिर कितना बजे पहुंचूंगी घर। पहुंचते 9:30 बज जाएगा, 9:30-10 बज जाएगा। मम्मी को कॉल करके बता दिया डिनर में क्या बनाना है, आप मुझे देख नहीं पा रहे शायद।